तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग पार्ट वन। मैं बता चुका हूँ ये है पार्ट टू है रीजनिंग सादृश्यता परीक्षण एनालॉगी टेस्ट। लॉजिकल सवाल सब है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 8 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 60 का संबंध 15 से है तो 100 का संबंध किससे होगा? 60 का संबंध 15 से, आप सभी लोग देख रहे हो 15 चौक को 60, मतलब 15 का 4 में गुणा करने पर 60 आ जा रहा है। तो इसी तरह किसका गुणा करें कि 4 आ जाए, तो 4 से भाग कर देंगे इसमें तो 25 आ जाएगा, यानी 25 से। इसी तरह 60 का भाग 4 से कर देंगे तो आ जाएगा 25, यानी कि 25 से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 77 का संबंध 84 से है तो 121 का संबंध, 77 का संबंध 84 से है तो 121 का संबंध। देखिए 77 कैसे 84 होगा, देखिए सोचिए और बताइए। देखिए इस ये किसका गुणनखंड है, 11 गुणे 7 कर देंगे तो 77 हो जाएगा, और 11 में प्लस 1 कर देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का 7 में कर देंगे तो 12 से 84 हो जाएगा। इसी तरह 121 है तो 11 गुणे 11 होगा ना, 11 गुणे 11 होगा तो इसमें प्लस 1 कर देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 गुणे 11 हो जाएगा, मतलब कितना होगा, 12 कम 12 को 2 12 कम 12 13, 132 132, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से ये होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 5 का संबंध 130 से है तो 6 का संबंध किससे होगा? देखिए आप सभी लोग सोचिए, देखिए कैसे हो गया, मैं बताता हूँ। 5 का क्यूब कर दिया है, 5 का क्यूब प्लस 5 कर दिया है, यानी 5 पचे 25 पचे 125, 5 गुणे 5 गुणे 5 प्लस 5, 5 पचे 25 पचे 125 प्लस 5 बराबर 130। इसी तरह इसका कर दिए 6 का क्यूब प्लस 6 कर दीजिए, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 प्लस 6 6 6 36 छक्का 216 प्लस 6 बराबर 222। ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन लगेगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 56 का संबंध 41 से है तो 94 का संबंध। देखिए 56 का संबंध 41 से कैसे हो गया, सोचिए 56 से 41, 56 का 41 में क्या रिलेशन है? देखिए मैं बता देता हूँ, 5 प्लस 6 जोड़ देंगे प्लस 5 गुणे 6 कर देंगे, 5 6 11 प्लस 5 6 30 कितना आ गया 41। इसी तरह से 94 को कर देंगे, 94 का संबंध देखिए 94 का कर देंगे 9 प्लस 4 13 प्लस 9 गुणे 4, 9 4 13 प्लस 9 4 36, 36 9 3 4 कितना गया 49, ऑप्शन ए। इस तरह से ये लगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 6 14 30, जो ये है इसमें से कोई एक ऑप्शन सेम इसी तरीके से लगना चाहिए। जैसे देखिए 6 14 और 30 है, कैसे हो गया सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट में बताइए। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, देखिए 6 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 6 दुना 12 प्लस 2 14। इसी तरह 14 का 2 में गुणा करके 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें कौन मिल रहा है, देखिए 4 दुना 8, 8 प्लस 2 जोड़ देंगे 10, नहीं हो पा रहा है, 7 दुना 14, नहीं हो पा रहा है, 12 चाहिए, 6 दुना 12 हो जा रहा है, 12 प्लस 2 चाहिए, 6 दुना 12 प्लस 2 14 चाहिए, नहीं हो पा रहा है, कौन सी गणित लगेगी आप सभी लोग बताइए। देखिए ये वाला, देखिए इसको हम लोग चेक नहीं किए हैं, 5 दुना 10, 5 दुना 10 प्लस 2 12, और 12 दुना 24 प्लस 2 26, यानी कि ये सेम मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से सबको चेक कर लेंगे। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, 4 है, 25 है, 81 है, कौन सा होगा इसमें बताइए, कमेंट में बताइए, सोचिए, कॉपी कलम से लगाइए, बताइए। देखिए 4 हो गया, 25 हो गया और 81 हो गया। देखिए ये सब हम लोगों को देखने में क्या लग रहा है, अगर मान लीजिए 4 है, 2 5 5 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 8 1 9 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 4 7 9 मतलब 2 विषम हो जा रहा है 1 सम, तब भी नहीं, ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है। देखिए ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, इसी तरह कोई ढूंढिए कौन दिख रहा है, बताइए। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, 16 64 100। 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, 64 किसका है, 8 का, और 100 किसका है, 10 का। तो इस तरह से अगर इन सब देखेंगे तो 79 नहीं है, 48 नहीं है, 143 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी 16 64 100। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे वाई स्क्वायर 4 है, वी स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4 है, वी स्क्वायर बराबर पूछ दिया है, क्या होगा सोचिए, ये लॉजिकल सवाल है, सोचना है सिर्फ, लॉजिक लगाना है, लॉजिक। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, सोचिए। देखिए जब हम लोग उल्टे क्रम में चलेंगे तो y किस नंबर पर आएगा, z 1 नंबर पर आएगा, y 2 नंबर पर आएगा, यानी 2 का y की जगह पर 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, हो गया ना। और v किस नंबर पर आएगा बताइए, बताइए v किस नंबर पर आएगा, 5 नंबर पर आएगा, उल्टा से z y x x w v उसके बाद भी आएगा, v किसका है, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यानी भी के जगह पर क्या होगा 25 होगा, ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए लिख दे रहा हूँ वाई का अल्फाबेट, अल्फाबेट में उल्टा क्रम कितना होगा, 2 होगा, और भी का अल्फाबेट मतलब Z2A में उल्टा क्रम 5 होगा, इस तरह से ये लगेगा। लॉजिकल सवाल है, सिर्फ हम लोगों को सोचना है, यही अच्छे अच्छे सवाल ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आप सभी लोग देख पा रहे होंगे MD का संबंध NZ से है, तो IK का संबंध किससे होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका स्थान लिख देंगे, ये क्या है 13 नंबर है, ये क्या है 4 नंबर है, ये क्या है 14 नंबर है, ये क्या है 26 नंबर है, और 26 नंबर है, और ये आई क्या है 9 नंबर है, के क्या है जे के मतलब 11 नंबर है। देखिए आप सभी लोग ये दोनों कितना हो जा रहा है, 13 और 14 कितना हो जा रहा है 27। ये दोनों जब 27 हो जा रहा है तो इसको 27 होना चाहिए, तो 9 और प्लस कितना 27 होगा, 27 में से 9 घटा दीजिए, 27 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा 18 18 2 20 27 18 आ जाएगा, यानी कि 18 होगा, 18 किसका होगा R का होगा, R देखेंगे कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में, या तो R होगा या ऑप्शन नंबर A होगा या ऑप्शन नंबर B होगा, मतलब ये भी गड़बड़ होगी। अब देखिए 26 4 मान लीजिए इन दोनों को अगर जोड़ दे रहे हैं 30 हो जा रहा है, 11 और 19 जोड़ेंगे, 19 जब जोड़ेंगे तो 19 यस का होता है, तो यस इसमें दोनों में नहीं दिया है, यानी इस ये लॉजिक नहीं लगेगी। देखिए अब नेक्स्ट लॉजिक क्या है, देखिए 4 और 26 में कितने का अंतर है, -4 का, तो इसी तरह इसमें कितने का अंतर हो जाएगा, -4 का मतलब यहाँ पे G हो जाएगा, G का कितना होता है F G 7 होता है, 7 -4 11 ये हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आप सभी लोग देख पा रहे होंगे A है, G है, जेड टी है, जे है, डी है, इसका संबंध पूछ दिया है, आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे ए
ए का कितना होता है, एक होता है, जी का सात होता है। अब देखिए इसमें अगर हम लोग सीधा लिखेंगे तो ये 26 होगा और ये 20 होगा जेड का और टी का, तो हम लोग कोई लॉजिक नहीं बैठा पा रहे। इस तरह से उल्टे क्रम में देखेंगे अगर मिल जाए तो अच्छा है। जेड का कौन सा क्रम उल्टे क्रम से होता है, नंबर वन पर होता है, और टी का कितना होता है, सेवन होता है। देखिए अब एक का एक के संबंध हो गया, सात का सात से हो गया, यानी कि अब इसमें आइए जे का कितना होता है, दस होता है, डी का कितना होता है, चार होता है। अब इसको भी देखिए, दस और चार यहाँ पे लिख देंगे उल्टे से, दस क्या होता है, जेड से, जेड से अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम से अक्षर का स्थान जो होता है जेड से दसवें नंबर पर कौन सा होता है, क्यू होता है, क्यू होता है, क्यू देखेंगे आप सभी लोग ऑप्शन में कौन सा है, सी है, यानी कि यहाँ पे जेड फोर नंबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तुरंत ऑप्शन देख लेंगे, एक ठो अगर मिल गया तो सबसे अच्छा तरीका है, तुरंत मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, डी ई, डी ई का संबंध 10 से है, तो पूछ दिया है एच आई का संबंध किस से होगा, कौन से अंक से होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग कोडिंग कर देंगे, डी का कोड 4 है, इसका कोड 5 है, ये है एच का होता है 8, आई का होता है 9। देखिए 4, 5, 9 होगा, मगर 10 जुड़ गया, 1 प्लस कर देंगे अगर तो 10 हो जा रहा है 4 प्लस 5, और 8 प्लस 9 कर देंगे 9, 8, 17 हो जा रहा है, 1 जोड़ देंगे 18, 18 ऑप्शन में है नहीं, मतलब ये लॉजिक फेल हो गई जोड़ने वाली। अब जोड़ के बाद घटाना आता है, घटाना होगा नहीं, अब बूढ़ा होता है, 4 गुणे 5 20 हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, भाग करेंगे तब भी नहीं हो पा रहा है। सोचिए देखिए 4 का 5 में गुणा कर देंगे कितना आ गया, 20 आ गया, 20 का 2 से भाग कर देंगे 10 आ गया, उसी तरह 8 का 9 में गुणा कर देंगे 72 आ गया, 72 का 2 से भाग कर देंगे 36 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ए बी सी का संबंध एफ 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 से है, तो एम डी पी का संबंध किस से होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग कोडिंग कर देंगे, 1, 2, 3, फिर ई का कितना होता है, 6, 6, एफ का, एफ का होता है 6। देखिए अब क्या किया है, 1 से 6 हो गया मतलब +5 कर दिया है, 2 से 6 हो गया है +4 कर दिया है, और इससे +3 कर दिया। इसी तरह हम लोग कर देंगे, एम का कितना होता है 13, डी का 4, पी का पी क्यू 16 होता है, पी का 16 होता है। देखिए +4 का मतलब 13, 4 +5, पहला वाला +5 किया है, 13, 5, 18, 18 कितना होता है, R होता है, और ये 5 के बाद 4 किया है, 4, 4, 8, 8 कितना किसका होता है, H का होता है, और 16 + 3 कर दिया 19, 19 किसका होता है, S का होता है, R H S, ऑप्शन नंबर सी, इस तरह से ये लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, HW है, देखता हूँ आप सभी लोग बताते हैं कि नहीं बताते। AB का संबंध ZY से है, तो CD का संबंध किस से होगा, यही बताना है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।